हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई बाला चैनल तो आज हम करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडलोजिस एंजाइम्स दैट आर ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर सीजर्स ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंडलोजिस एंजाइम्स क्या होते हैं दैट आर यूज टू कट द डी एन ए मॉलिकूल जो डी एन ए होता है उसको क्लीव करने में हेल्प करते हैं कट करने में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडो निक्लोजिस एनजाइम जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोनिक्लोजिस एंजाइम आइसोलेट किया गया वो कौन से बैक्टीरिया से किया गया हीमोफाइलिस इन्फ्लुएंजा

ठीक है सो इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट हिंड टू ऑलवेज कर द डी एन ए मोलिकुलट द स्पेसिफिक पॉइंट बाई एंटीफाइन द स्पेसिफिक सिक्वेंसिज ये जो रेस्ट्रिक्शन एंड इनिक्लोज एंजाइम है ऐसे नहीं है कि किसी भी डी एन ए के सिक्वेंस में जाएंगे और वहाँ पर कट कर देंगे क्लीर कर देंगे डी एन ए को नहीं ये स्पेशल टाइप के एनजाइम हैं सबसे पहले क्या करेंगे डी एन ए को उसमें जो सिक्वेंस लगे होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पर जाकर डी एन ए को क्लीव करेंगे सो so, कैसे लिखा हुआ है टू ऑलवेज कट द डी एन ए मॉलिकल एट स्पेसिफिक पॉइंट ठीक है बाय आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक सिक्वेंसिस सबसे पहले डी एन ए को आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक सिक्वेंसिस तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर उसको कट करेंगे दैट आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडक्लोजिज एनजाइम सो हियर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडलोज एंजाइम्स कौन से हैं टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री तो टाइप वन कौन से हैं टाइप वन रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज एंजाइम दे विल परफॉर्म द टू फंक्शन कौन से एक तो है रेस्ट्रिक्शन एक है मॉडिफिकेशन जो टाइप वन के रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज एनजाइम होते हैं वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं रेस्ट्रिक्शन का एंड मॉडिफिकेशन का और टाइप वन रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज एंजाइम में टोटल कितने पेयर होते हैं फिफ्टीन पेयर यहाँ पर टोटल 15 बेस पेयर होते हैं और हमें ये देखना है टाइप वन वाले कहाँ पर कट करते हैं सो दे कॉज क्लीव ऑफ डी एन ए अबाउट थाउजेंड बेस पेयर अवे फ्रॉम द डी एन ए मीन्स जो फाइव डैश एंड है फाइव डैश एंड है वहाँ पर थाउजेंड बेस पेयर को छोड़कर फिर जाकर कट करेंगे सो दे आर नॉट यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी टाइप वन वाले जो एंजाइम्स हैं डी एन ए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते तो टाइप टू सो so, इनका फंक्शन क्या है दे रिकोगनाइज एंड क्लीव विद इन द स्पेसिफिक डी एन ए तो सबसे पहले क्या करेंगे ये रिकोगनाइज करेंगे डी एन ए को फिर जाकर क्लीव करेंगे डी एन ए को ठीक है ये नहीं है ये भी ऐसे ही है कि, कि किसी भी साइड पर नहीं जाकर लगेंगे वहां पर कट करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक सिक्वेंसिस को फिर जाकर वहां पर कट करेंगे बट दे आर यूज इन द रिकॉम्बीन एंड डी एन टेक्नोजी जो टाइप टू वाले रेस्ट्रिक्शन एंडलोज एन्जाइम है ये डी एन ए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं नाउ नेक्स्ट होने टाइप थ्री सो दे आर द इंटरमीडिएट बिटवी दाइप टाइप वन एंड टाइप टू तो हाफ ऑफ द करैक्टर्स टाइप वन वाले होंगे हाफ कौन से होंगे टाइप टू वाले होंगे सो दे आर आल्सो नॉट यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टाइप वन एंड टाइप थ्री वाले जो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लोजिस एंजाइम्स हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते कौन से होते हैं टाइप 2 वाले होते हैं ठीक है थीके? तो क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लोज एंजाइम में सबसे पहले बता दो ये क्या होते हैं कट करते हैं डी एन को और कहाँ से आइसोलेट किया गया किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया ठीक है कहाँ पर कट करते हैं उसके बाद इसकी टाइप्स बता देना टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री तो सबसे पहले इसका फंक्शन बता देना कहाँ पर यूज़ होता है टाइप वन का एंड टाइप टू का तो उसके बाद बता देना कि टाइप वन में कितने बेस पेयर होते हैं कहाँ पर जाकर कट करते हैं और तीनों में से कौन सा यूज़ होता है कौन सा नहीं यूज़ होता है इन द केस ऑफ़ रिकॉम्बिनेंट एंड डी टेक्नोलॉजी ठीक है थैंक यू